दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। दिल्ली के मुख्यमंत्री, फिलहाल के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। केजरीवाल ने साफ कहा कि वो जेल से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं, तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उनको दोबारा चुनकर नहीं भेजती। केजरीवाल का कहना था, चुनाव तक आपका कोई अन्य विधायक नया मुख्यमंत्री बनेगा। दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया ने भी सरकार में मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। सिसोदिया का कहना था कि अगर दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी तभी मैं डिप्टी सीएम या फिर शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। दिल्ली में 5 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी चुनाव तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। वो नया चेहरा कौन होगा, इस पर अभी संशय है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या दिल्ली के लोगों को बस में मुफ्त सफर और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलता रहेगा। ऐसे में 5 बड़े सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहती है, तो चलिए समझाते हैं। अब पहला सवाल है, 1000 मंथली वाली स्कीम का क्या होगा? आम चुनाव से ठीक पहले 4 मार्च 2024 दिल्ली सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया। इसमें महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा वो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे सीधे उनके बैंक अकाउंट आएंगे। जो महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं, इनका टैक्स, इनकम टैक्स का भुगतान जो कर रही हैं या पेंशनधारी हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने आश्वासन दिया था कि लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट मिलाकर इस योजना को लागू करेंगे। उसके बाद 21 मार्च को केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल चले गए। ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। अब जब केजरीवाल की रिहाई हुई है तो जमानत की शर्तों ने उनके हाथ बांध दिए। अभी उनके सामने कैबिनेट की बैठक बुलाना मुश्किल है। अनुमान है कि ये योजना फिलहाल विधानसभा चुनाव तक लागू नहीं होगी। हालांकि अब एक बार फिर संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलता है और इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो फिर इसका लाभ दिल्ली की लगभग 50 लाख महिलाओं को मिल जाएगा। ये योजना चुनाव में केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। 2024 और 2025 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो सीएम की कुर्सी किसको मिलेगी? केजरीवाल का इस्तीफा देने के ऐलान के बाद अब नए चेहरे को लेकर हलचल तेज है। इस बात को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है कि केजरीवाल की जगह सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा, वो चेहरा कौन होगा। आम आदमी पार्टी के भीतर कई नामों को लेकर मंथन है। सोमवार को केजरीवाल के घर एक मीटिंग होने की खबर है, इसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल होंगे। रविवार को जब केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में इस्तीफा देने की घोषणा की उस वक्त सिसोदिया भी मौजूद थे। उसके बाद अब दोनों नेता पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है केजरीवाल और सिसोदिया की इस मुलाकात में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो सकती है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा? केजरीवाल का उत्तराधिकारी दिल्ली सरकार का कोई मंत्री होगा या कोई सरप्राइज फैक्टर सामने आएगा? फिलहाल जिन नामों की चर्चा है उसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और एक और खास नाम है कैलाश गहलोत का। जानकार कहते हैं केजरीवाल ने रविवार को जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो अपने भाषण में आतिशी के नाम का जिक्र किया। केजरीवाल का कहना था चूंकि 15 अगस्त के समय वो जेल में बंद थे, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपनी जगह आतिशी को तिरंगा फहराने के लिए नॉमिनेट किया। इस संबंध में उन्होंने आतिशी के नाम को चुनकर एलजी को चिट्ठी भेजी। वो चिट्ठी तो एलजी तक नहीं पहुंची। सवाल उठ रहा है, क्या अब आतिशी का नाम एलजी तक मुख्यमंत्री पद के लिए पहुंचेगा? केजरीवाल कैबिनेट में आतिशी सबसे हैवीवेट मंत्री है। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वासपात्र माना जाता है। दिल्ली सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का पद भी भरा जाना है। तो दिल्ली में चुनाव कब होंगे? दिल्ली में वैसे तो चुनाव फरवरी 2025 तक होना प्रस्तावित है, लेकिन रविवार को जब केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो ये भी जोड़ा कि वो चाहते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी की बजाय नवंबर में करवाए जाए। इसी साल नवंबर में ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने। केजरीवाल ने भले ही ये मांग कर दी कि दिल्ली का चुनाव नवंबर में महाराष्ट्र के साथ ही कराया जाए, लेकिन तुरंत चुनाव के मूड में केजरीवाल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान किया, लेकिन ना तो कैबिनेट भंग करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया, ना विधानसभा भंग करने का, बल्कि नए चेहरे पर दाव लगा रहे हैं। हालांकि केजरीवाल को जल्द चुनाव कराए जाने के संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग करनी होगी और उसका कारण भी बताना होगा।
फिलहाल दिल्ली की वोटर लिस्ट अपडेट होने का काम बाकी है। 2 महीने के भीतर ये काम पूरा होने की संभावना नहीं है। ऐसे में संभव है आयोग फरवरी में तय समय पर ही चुनाव करा सकता है। कानूनी जानकार कहते हैं नए सीएम के बनने से नए सिरे से कैबिनेट का गठन होगा। केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो एलजी की तरफ से मंजूरी दी जाएगी, उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति भी इस्तीफे को मंजूर करेंगे, तब जाकर एक नया मुख्यमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। इस पर भी अंतिम मुहर राष्ट्रपति ही लगाएंगे। अंत में सीएम और उनकी कैबिनेट की शपथ होगी। इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगेगा। तो क्या मुफ्त बिजली बस यात्रा जारी रहेगी? इस सवाल का जवाब हाँ है, क्योंकि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा। योजनाओं को लेकर फैसलों तक में केजरीवाल ही छाप उन्हीं की देखने को मिलेगी। ये बात तय है, सीएम फेस कोई भी हो, सत्ता की चाबी केजरीवाल के हाथ में है। वो खुद पार्टी के मुखिया हैं, संगठन से लेकर सरकार की बागडोर भी उनके पास रहने की संभावना है। मुफ्त बिजली और मुफ्त बस यात्रा केजरीवाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। केजरीवाल सरकार इसे चुनावी रैलियों में भी दिल्ली मॉडल के रूप में पेश करती आई है। तो क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी को सिंपथी वोट मिलेगा? राजनीतिक जानकार दरअसल कहते हैं चूंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कर्ता धरता हैं, वो खुद को कट्टर ईमानदार होने का दावा भी करते आए, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सरकार की साख पर सवाल है। पहले आबकारी नीति में कथित घोटाला, उसके बाद सीएम आवास की साज सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च करने पर विवाद, हाल ही में जल संकट और जल बोर्ड में स्कैम को लेकर विपक्ष घेरते हुए नजर आया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, पड़ोसी राज्य हरियाणा में पहली बार सभी 90 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल खुद हरियाणा के मूल निवासी, ऐसे में उनके सामने भ्रष्टाचार का टैग हटाने की चुनौती है, साथ ही हरियाणा में भी पार्टी को उभार कर लाना है। केजरीवाल के इस्तीफा देने के फैसले को हरियाणा चुनाव और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी को हुए नुकसान को रोकने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकार कहते हैं केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने मार दिए, इससे आम आदमी पार्टी हाईकमान भविष्य में फायदा मिलने की उम्मीद कर रहा है। केजरीवाल के फैसले का असर हरियाणा चुनाव में भी दिखेगा। महाराष्ट्र में भी 2 महीने बाद चुनाव है, वहां भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुकी है। चूंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलायंस नहीं हो सका, अब केजरीवाल के इस्तीफे से आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं। चुनाव में आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर सिंपथी वोट का फायदा मिल सकता है। एक तरह का सिंपथी माहौल आम आदमी पार्टी के पक्ष में बना सकते हैं। हालांकि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव कहते हैं केजरीवाल लोगों से सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इस्तीफे का ऐलान करना लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, क्योंकि केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस आरोप से बचने के लिए उन्होंने ये वाला यानी इस्तीफे वाला हथकंडा अपनाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।